हे गाइस नमस्कार। जो भी कल का वीडियो देखा होगा ऑस्ट्रिया को लेकर के, उनको पता होगा कि ऑस्ट्रिया में अभी 2 लाख के करीब वैकेंसीज आए हैं, वो भी नॉन ईयू के लिए, यानी कि जो लोग ईयू से बिलोंग करते हैं उनके लिए नहीं है, वो फॉरेनर्स के लिए है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं या फिर नेपाली हैं, तो आपके लिए ये जो है बहुत बेहतरीन मौका है दोस्तों। स्पेशली बात करें इंडियंस के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि रिसेंटली हमारा प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जाके वहाँ का प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात किए थे और उनका जो बातचीत हुआ था और उसी दौरान ये सारा वैकेंसी निकल के आना, कहीं ना कहीं एक आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इस मौका को हाथ से जाने मत दीजिए। और जब मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया उसके बाद आप लोगों में से कई मेरे व्यूअर्स का कमेंट आया कि सर आपने ये तो बता दिया कि इतना सारा वैकेंसीज हैं, लेकिन अप्लाई कहां से करें, कौन सा जॉब के लिए अप्लाई करें। तो कल का वीडियो मैंने क्लियरली बता दिया था कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास कौन सा स्किल्स है, उस हिसाब से आपको वीजा मिलता है। मैंने 4 डिफरेंट कैटेगरी के वीजा बताया था दोस्तों, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर वीजा है वो है डी कैटेगरी वीजा। डी कैटेगरी वीजा में कोई भी जॉब सीकर अप्लाई कर सकता है। अगर आप नॉन स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं या स्किल्ड पर्सन हैं, तब भी आप डी कैटेगरी वीजा में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कल के वीडियो में कई इंडस्ट्री के बारे में बताया है जिस इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले यहां पर आई बटन लिंक दे देता हूं, वो वीडियो जाके पहले देखें तो आपको समझ में आएगा। फिर जैसे ही आपको लगता है कि मैं पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई करने वाला हूं, तो सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए तो मैं लिस्ट बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान से समझिए। पहले आपको चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है दोस्तों ये 7 से 8 महीने का समय लगता है। तो आपका जो पासपोर्ट है उसका मिनिमम वैलिडिटी 2 साल का होना चाहिए, फिर आपको अप्लाई करना है, नहीं तो पहले पासपोर्ट रिन्यू करा लीजिए। दूसरा, आपको बनाना है यूरो पास CV एंड कवर लेटर। अब बात आती है कि मुझे बनाना नहीं आता है, अगर आप ये सोचते हैं तब भी आपको मजबूरी में सीखना है, सीख करके खुद से CV बनाना है, आप किसी यूट्यूबर से, किसी थर्ड पर्सन से CV मत बनाइए, क्योंकि आपको एक कंपनी में जो अप्लाई नहीं करना है, आपको मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करना है। और मल्टीपल कंपनी में अप्लाई करने का मतलब होता है आपको हर एक समय आपका जो CV है कहीं ना कहीं एडिट करना पड़ेगा। और अगर आप किसी से बनवा लेते हैं एक बार 4,000-5,000 रुपये दे करके, तो फिर भैया आपका नुकसान है और आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बार अप्लाई करने से आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। ये सारे जॉब के लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीना कड़ी मेहनत जरूरत है दोस्तों। दिन रात बैठ करके आपको अप्लाई करना होगा। आपके पास एक सिस्टम या लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल से काम नहीं देगा, लैपटॉप या सिस्टम जरूरी है, प्रॉपर इंटरनेट जरूरी है, तभी जाके आपको लाखों रुपये का सैलरी वाला जॉब मिलेगी। सिर्फ बैठे बैठे सोचेंगे यूट्यूब देख करके मुझे लाखों का सैलरी का जॉब मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है। तो कवर लेटर और CV मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको अप्लाई करना है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कहीं आपके नाम पे कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, ये जानने के लिए आपके पास होना चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। आप चाहे डिग्री किए हों, डिप्लोमा किए हों, ITI किए हों, जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन है, सारे एजुकेशन का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपने जो भी अब तक काम किया हो पास्ट में, वो सारे काम का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये काम किया है, और उसी काम के हिसाब से आप अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। जो आपका प्रोफाइल के रिलेटेड होना चाहिए, जो आपका एजुकेशन के रिलेटेड होना चाहिए, जो आपका स्किल के रिलेटेड होना चाहिए, उसी रिलेटेड जॉब में आपको अप्लाई करना है। ये सब हो गया, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट गया। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, कंपलसरी आपने जो काम किया है उसका प्रूफ के लिए वीडियो चाहिए। पहले वो इंडियंस को विश्वास करते थे, लेकिन अब बहुत लोग झूठ बोलने लग गए हैं, इस वजह से शायद वो हर किसी को वीडियो मांगते हैं। अगर आपको कोई काम आता है तो उस काम का मिनिमम 1 से 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है, जिसमें आप अपने काम के बारे में दिखाएंगे कि आप कौन सा काम करते हैं, आपको कितना एक्सपर्टीज है आपका काम में। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि आपको काम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। पहले क्या करते थे लोग, सिंपली कोई भी सर्टिफिकेट बना करके दे देते थे, बोलते थे कि हमको ये काम आता है, लेकिन जब रियलिटी में वहाँ पहुँचते थे दोस्तों फिजिकली,
वहां पहुंचने के बाद जब काम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एक एम्प्लॉयज को लेकर के जाने के लिए उनको लगभग 4 से 5 महीने का वेटिंग करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर 4-5 महीना वेटिंग करने के बाद अगर उनको रॉन्ग कैंडिडेट मिला, रॉन्ग एम्प्लॉय मिला, जिनके पास ना कोई स्किल्स है ना कोई तजुर्बा है, तो क्या होगा सोचिए। तो इस वजह से बहुत धोखा खाने के बाद वो लोग भी सतर्क हो गए हैं और ये बोलते हैं कि भाई अगर जो काम करते हैं उस सारे काम का आप हमें वीडियो क्लिप भेजें, हमें भी पड़ताल कर लेने दीजिए। ठीक है, फिर उनका एक थर्ड पार्टी आपका रेफरेंस चेक भी करता है कि आप सचमुच काम किए नहीं किए हैं, आपका एजुकेशन सही है कि नहीं, सारा वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। इसके बाद ही आपका वो इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। अब इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए आपको अप्लाई करना है। अब आप लोग जो मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ अप्लाई किया जाए, तो आप लोगों के लिए मैं कुछ वेबसाइट लेकर के आया हूँ, जिस वेबसाइट के माध्यम से अगर आप अप्लाई करते हैं तो जॉब मिलना आसान हो जाता है दोस्तों। हालांकि देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स, तो आप लोगों को लेकर चलता हूँ मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आपको मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे आप देख सकते हैं कौन कौन सा वेबसाइट है जहां पर बहुत सारे वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं। चले चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये career.at, ये जो वेबसाइट है यहां पर आपको बहुत सारे जॉब देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां पर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको यहां पर जैसे आप कोई कंपनी अगर आप जानते हैं पहले से, तो कंपनी का नाम डाल सकते हैं इसमें, लोकेशन आपको कहां पर जाना है वहां पर, और फिर फाइंड जॉब यहां से आप ढूंढ सकते हैं। बता दूं आपको यहां पर हजारों जॉब्स है दोस्तों। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन का है 1666 जॉब है, देखिए। एडवाइस कंसल्टिंग का है 911 वैकेंसीज, कोचिंग एंड ट्रेनिंग का है 243 वैकेंसीज, परचेजिंग लॉजिस्टिक का है 1327 वैकेंसीज, फिनांस एंड बैंकिंग का है 1654 वैकेंसीज, लीडरशिप मैनेजमेंट का है 2213 वैकेंसीज दोस्तों, गेस्ट्रोनॉमी एंड टूरिज्म 389, ग्राफिक्स डिज़ाइन का है 125 वैकेंसी, आईटी एंड ईडीपी का वैकेंसीज है 3569 वैकेंसी, मार्केटिंग एंड पीआर का है 800 वैकेंसीज, ह्यूमन रिसोर्स में है 715, फार्मा हेल्थ एंड सोशल में है 1034, प्रोडक्शन एंड क्राफ्ट में है 1881, अकाउंटिंग कंट्रोलिंग में है 1832, लीगल सिस्टम में है 377, प्रोसेसिंग में है 1117, अदर प्रोफेशंस में है 1193, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में है 6269, सेल्स कस्टमर सर्विस में है 3793, साइंस एंड रिसर्च में है दोस्तों 118। इसके अलावा भी कई और वैकेंसीज है दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए आप स्टेप स्टोन में, यहाँ पर भी आपको लॉगिन करना होगा। पहले यहाँ से आप लॉगिन कर लेना है, ठीक है, रजिस्टर करके लॉगिन करना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब में आपको जाना है। यहाँ भी बहुत सारे जॉब अवेलेबल हैं दोस्तों, बहुत सारे, ठीक है। यहाँ भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, कंस्ट्रक्शंस में, एजुकेशन में, प्रोडक्शन में, फिनांस में, गैस्ट्रोनॉमी, हेल्थ, होटल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, आईटी, आर्ट, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मीडिया, पब्लिक सेक्टर, स्टाफ, राइट, सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, साइंस, सारे चीज़ में आपको जॉब यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन में आप कहीं भी क्लिक कर लीजिएगा, आपको जॉब दिखने को मिल जाएगा। हम जाते हैं होटल इंडस्ट्री में, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं एग्जांपल आपको दिखाने के लिए, तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे जॉब देखने को मिल जाएंगे। ये सारे वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है। इसको आपको इंग्लिश में कर लेना है, इंग्लिश में करेंगे तो आपको इंग्लिश में दिखेगा। लोकेशन मैनेजर हॉस्पिटैलिटी, ट्रेनी हाउसकीपर, देखिए सर्विस ऑलराउंडर, ट्रेनी होटल स्पेशलिस्ट, आपको सारे जॉब दिख जाएंगे यहाँ पर। अप्रेंटिस कैटरिंग एंड होटल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, जूनियर कंसल्टेंट, यहाँ पर देखिए आप इंटर्न इन द होटल इंडस्ट्री। तो इसी तरह आपको हर एक सेक्टर में जॉब देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर कैसे वैकेंसीज है। मैंने नंबर ऑफ वैकेंसी जो बताया था, इसीलिए मैंने आपका रेफरल के लिए ये सारा वेबसाइट लेके आया, ताकि आपको समझ में आ जाए और उसी वेबसाइट में जाकर ही आपको रजिस्टर करके ऑनलाइन अप्लाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आपको रिप्लाई आएगा आपका ईमेल पर, फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। इंटरव्यू में जैसे आप क्रैक कर लेते हैं, फिर कंपनी आपके लिए ऑफर लेटर भेजेगा। ऑफर लेटर भेजने के बाद दोस्तों आपका वर्क परमिट, फिर वीजा स्टैंपिंग, फिर आप अप्लाई करके वहां पर जाके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप भी एक जॉब सीकर्स हैं, जाकर के यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार हुआ होगा। अगर अभी आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई दुविधा है दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका हर एक सवाल का जवाब देने का। साथ ही साथ यही बोलना चाहूंगा, मैं कभी कभी लाइव भी आता हूँ।
लाइव में आप जुड़िए, आकर के मुझसे क्वेश्चंस पूछिए, आपका रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, आपका जो भी क्वेरीज हैं विदेश जाने के मामले में, तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपका सारे क्वेश्चंस का जवाब ऑनलाइन दिया करता हूँ, वो भी लाइव में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।